हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फील्ड ट्रिप्स या टूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बायोलॉजी क्लब के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम फील्ड ट्रिप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि फील्ड ट्रिप्स होता क्या है। फील्ड ट्रिप्स में स्टूडेंट्स नेचर के कॉन्टेक्ट में जाते हैं और वह नेचर के कॉन्टेक्ट में जा कर के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स के बारे में, उनके नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में स्टडी करते हैं और नेचर के क्रिएशन को समझते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। साथ ही साथ इससे उनके अंदर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी कि जीव विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है और वह जो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, डायरेक्ट जो एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह उनके ऑब्जर्वेशन पावर को विकसित करता है। क्लासरूम टीचिंग में जो भी वह थियोरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, उनका प्रैक्टिकल अनुभव फील्ड ट्रिप्स पे जाके उनको होता है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जो अनुभव होते हैं, वह उनकी ऑब्जर्वेशन पावर को भी बढ़ाता है, जो कि फील्ड ट्रिप्स का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज एड इन क्लेरिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि फील्ड ट्रिप्स उनके नेचुरल हैबिटेट को यानी कि ऑब्जेक्ट्स के नेचुरल हैबिटेट के बारे में नॉलेज देता है। इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट जो जीव विज्ञान सब्जेक्ट है वो क्लियर होता है। इसके अंतर्गत आप जब भी फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं तो नेचुरल हैबिटेट में जो प्लांट है या एनिमल है उसके पास जा कर के उनकी एक्टिविटीज़ को आप डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं, साथ ही साथ उसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि किसी भी सब्जेक्ट को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। हम लोग एक वर्ड कहते हैं ऑब्जर्वेशन, जो कि इसके पहले भी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स जो है माइनोटली ऑब्जर्व यानी कि किसी भी चीज़ को जब बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो इससे उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड का एक जो अविक्षमता होती है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है, वो डेवलप होता है। थर्ड पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। फील्ड ट्रिप्स के द्वारा स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के यूज़फुल मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वह सीड्स, इंसेक्ट्स, स्टोन्स, फीदर्स ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के जो पंख हैं, मिनरल्स, सॉयल्स, फ्लावर, फ्रूट्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स और पत्तियों को भी, रूट्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि उनको साइंस म्यूज़ियम में रखने के काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। फील्ड ट्रिप्स में स्टूडेंट्स जब भी जाते हैं तो वहाँ पर ओरली डिस्क्रिप्शन ना होकर के प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखते हैं। जैसे क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, जब भी फ्लावर, प्लांट्स या एनिमल्स को हम पढ़ते हैं तो उसका ओरल डिस्क्रिप्शन सुनते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में केवल ओरली हम जान पाते हैं। लेकिन फील्ड ट्रिप्स जो है स्टूडेंट्स को उसका प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करने में सहायक होता है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। क्लासरूम टीचिंग से स्टूडेंट्स में एक मोनोटोनी हो जाती है, एक रास्ता हो जाती है, जो फील्ड ट्रिप्स के द्वारा उनको एक इंटरटेनमेंट मिलता है और साथ ही साथ उनको नॉलेज गेन भी होता है, साइंटिफिक नॉलेज उनको मिलता है, जो कि उनको उनके इंटरटेनमेंट के लिए, उनके क्रिएशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। स्टूडेंट्स को बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने का मौका फील्ड ट्रिप्स देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। फील्ड ट्रिप्स में बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको स्टूडेंट्स मिल करके एक दूसरे के सहयोग से पूरा करते हैं, तो फील्ड ट्रिप्स स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन की भावना यानी सहयोग की भावना को भी बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साइंटिफिक प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स जब फील्ड ट्रिप्स पे जाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं
जिससे टीचर्स को ये अवसर मिलता है कि वह उन ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दे और उनको सॉल्व करने के लिए कहे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी भी फील्ड ट्रिप्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है जो स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर के करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स पे जाने के लिए सबसे पहले साइट यानी कि प्लेस का सिलेक्शन करना होता है जो कि स्टूडेंट्स के कोर्स से रिलेटेड हो। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि जो भी आपका नज़दीकी पार्क हो, गार्डन हो या जंगल हो, पास में कोई यूजफुल पॉन्ड हो, लेक या रिवर हो जिससे एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिल सके, पोल्ट्री फॉर्म है, डेयरी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं या जूलॉजिकल गार्डन इत्यादि। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, उनके कोर्स से रिलेटेड हो, तो उस साइट का सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिपरेशन फॉर फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स के लिए और क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं। पहला पॉइंट है परमिशन। किसी भी फील्ड ट्रिप्स पे स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए सबसे पहले स्कूल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है और उनके पेरेंट्स यानी गार्जियन से परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वेंस। फील्ड ट्रिप्स पे ले करके जाने के लिए स्टूडेंट्स को परिवहन यानी कि व्हीकल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फिनांस। जो भी खर्च आएगा फील्ड ट्रिप्स पे उसका कुछ पार्ट स्टूडेंट्स दे सकते हैं और स्कूल फंड से भी कुछ भाग जो है वह खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनलाइजिंग द आइटेनरी। यात्रा का क्रम डिसाइड करना होता है कि किस डेट पे स्टूडेंट्स को लेकर के जाना है, टाइमिंग क्या होगी, कौन कौन से प्लेसेस पे लेकर जाने हैं और ऑन द वे यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन के पहले अगर कोई ऐसी जगह है जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है उनके नॉलेज के लिए, तो उसको भी यात्रा के क्रम में शामिल कर कर के स्कूल अथॉरिटी और साथ ही साथ पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट एंड अरेंजमेंट। जब भी फील्ड ट्रिप और ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसकी अरेंजमेंट्स के लिए जहाँ भी लेकर के जाना है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे प्रॉपर स्टे करने की व्यवस्था, फूडिंग लॉजिंग की व्यवस्था हो, तो इसको कांटेक्ट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो उद्देश्य है स्टूडेंट्स का उसको क्लासीफाई करना जरूरी है। फील्ड ट्रिप्स पे स्टूडेंट्स को ले जाने का जो मेन उद्देश्य होता है कि वह ऑब्जर्व कर पाएँ ऑब्जेक्ट्स को, और इसके बारे में जो भी डिस्कशन है वो स्टूडेंट्स को के साथ होना चाहिए और उनको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि वहाँ पर जाकर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ रहें और एक डिसिप्लिन में भी रहें जिससे कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। फील्ड ट्रिप्स पे ले जाने के पहले टीचर्स को एक बहुत सारी कमेटीज़ का भी गठन करना पड़ता है क्योंकि टीचर अकेले सारे स्टूडेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं उनको उनको सेलेक्ट कर करके, जैसे मैनेजमेंट ऑफ फूड कमेटी बनाई जा सकती है, मैनेजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी कि साइंस म्यूजियम के लिए अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जा सकती है, और साथ ही साथ जो भी लगेज या स्टे करने से रिलेटेड भी एक कमेटी बना करके और चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर वे में पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिकॉशन ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वॉच ऑन द स्टूडेंट्स। टीचर्स को शुरू से स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पे ध्यान रखना ज़रूरी है, और अगर हम प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप्स पे ले जाते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि थोड़ी थोड़ी देर पे टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। अगर वो किसी पॉन्ड, रिवर या लेक के पास जा रहे हैं या किसी फैक्ट्रीज में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉलोइंग द आइटेनररी। जो भी यात्रा का क्रम है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है जिससे मिसमैनेजमेंट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिप टू डिस्टेंट प्लान प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे अगर हम जो ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें स्टे करने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ प्रॉपर
मेडिसिंस और हेल्थ केयर की व्यवस्था का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेटिव वैल्यूज़। हमारा स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप्स पे ले जाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि उनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक शैक्षिक मूल्यों का भी विकास हो, उनके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर भी बढ़े और उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके, तो इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बियरिंग लाइबिलिटीज़। स्टूडेंट्स की बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको टीचर के माध्यम से पूरा कराया जा सकता है, जैसे कि टीचर्स को शुरू से ही एक्टिव रहना चाहिए कि जिस भी प्लेस पे वो स्टूडेंट्स को ले के जा रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं, और उनको मैक्सिमम नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ वह स्टूडेंट्स को इनक्रेज कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछें, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ फटीग एंड बोर्डम। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यात्रा करने से स्टूडेंट थकान महसूस कर सकते हैं या बोरियत महसूस कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जब भी वो यात्रा कर रहे हों तो कुछ इंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो, जैसे कि वह आपस में एक दूसरे के साथ एक्टिविटी कोई ऑर्गेनाइज़ कराई जा सकती है। स्टूडेंट्स आपस में अंताक्षरी खेल सकते हैं, एक दूसरे को कोई सॉन्ग सुना सकते हैं, जोक सुना सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर उत्साह बना रहे। टास्क ऑन रिटर्न, कलेक्टिव डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग। जब स्टूडेंट्स वापस आते हैं फील्ड ट्रिप से तो कुछ टास्क होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग। जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, यानी कि फील्ड ट्रिप्स के दौरान हुई, उसकी डिस्कशन प्रॉपर वे में होना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दूसरे से स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, टीचर पूछ सकता है, जिससे पूरा प्रॉपर नॉलेज जो है उनको प्रदान हो सक किया जा सके और उनकी नॉलेज को स्टेबल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टेड थिंग्स। जो भी चीज़ें कलेक्ट की गई हैं उनको सेफ्टी से साइंस म्यूजियम में रखवा दिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स उनको कलेक्ट करते हैं उसकी स्टूडेंट्स नेम के साथ एक चिट वहाँ पे लगा देनी चाहिए, जिससे उन्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि उन्होंने ये काम सक्सेसफुली किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन वर्क। रिटन वर्क में स्टूडेंट्स को एक फ़ाइल तैयार करने के लिए कहा जा सकता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस उनको फील्ड ट्रिप्स के दौरान मिले हैं उनको वह एक प्रॉपर वे में लिख कर के ले आएँ, उस पर फील्ड ट्रिप्स की फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट कर सकते हैं और या ऐसे टाइप का कुछ बना के लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्कूल की मैगजीन्स में भी पब्लिश कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलाइजिंग इन टीचिंग वर्क। टीचिंग वर्क में भी फील्ड ट्रिप्स का यूटिलाइजेशन है, जैसे कि जो भी फील्ड ट्रिप्स के दौरान उनको अनुभव होते हैं, ऑब्जर्वेशन जो वो करते हैं उसको अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में शामिल कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जा सके। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी 3 पॉइंट्स टू बी केप्ट इन व्यू वाइल अरेंजिंग फील्ड ट्रिप्स। जब भी फील्ड ट्रिप्स को अरेंज किया जाए तो वह कौन से मुख्य 3 बिंदु हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में लिखिए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन एनी 4 यूटिलिटीज़ ऑफ द फील्ड ट्रिप्स इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। जीव विज्ञान के अध्ययन में फील्ड ट्रिप्स की 4 उपयोगिताओं के बारे में लिखिए। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यूनिट 5th को स्टार्ट करेंगे। Thank you so much.